मैनपुरी में नवरात्रि के समापन के बाद दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने गया युवक काली नदी में डूब गया। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था, जो अपने आप को तैराक बताकर नदी में कूद गया और काफी देर तक तैरता रहा, लेकिन कुछ देर बाद ही युवक डूब गया। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। नदी में युवक की तलाश की जा रही है। मैनपुरी जनपद के कस्बा बेवर में टीचर कॉलोनी से दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए लगभग 150 लोगों का समूह काली नदी पर आया था, जिसमें 21 वर्षीय विजय सक्सेना भी शामिल था। नदी के पुल पर पुलिस तैनात थी। पुलिस ने किसी को भी नदी में जाने नहीं दिया, लेकिन विजय नदी के दूसरी तरफ से नदी में चला गया और जाकर तैरने के लिए नदी में कूद गया। जब लोगों ने मना किया तो उसने अपने आप को तैराक बताकर नदी में डुबकी लगा दी। कुछ देर तैरने के बाद विजय नदी में डूब गया। उसे डूबता देखकर लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचा और विजय की तलाश शुरू की। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी युवक नहीं मिला है।